अस्सलामु अलैकुम। ये वीडियो मैंने कल 19 तारीख को कलीम शेख चाचा का वायरल हुआ। माशाल्लाह माशाल्लाह, मुसलमान कौम की तो मतलब इज्जत इज्जत पे चार चांद लगा दिए। दाढ़ी रख के, टोपी पहन के, बार बार अल्लाह को, अल्लाह के नबी को याद करके इतनी हक और सही बात करे ना, अल्लाह इनके ज़ुबान पे ना बोलते ना दुनिया में ही ना आग में डाल के जला देवे इनकी ज़ुबान को। इतनी गंदी बात, इतनी गंदी अल्फाज, और इतना मतलब जितनी गालियाँ देना दे दिए, और जितना बुरा बोलना था लोगों के आपा के लिए, आपा के भाइयों के लिए, उनकी फैमिलियों के लिए, और मदरसा के लिए, मदरसा के बच्चों के बोल दिए, बाद में अल्लाह से माफ़ी भी मांग रहे। मेरी ज़ुबान से कोई गलती निकल तो माफ़ कर देना अल्लाह, मुझे बोले आफियत की ज़िंदगी देना। अरे आफियत तुझे तो ज़िंदगी में कभी नहीं मिलेगी। तेरा ये अजाब देख, तुझे जैसा बोल रहा है, जैसा कर रहा है ये आदमी बुढ़ा, उसी तरह तेरी बीवी देख आज दवाखाने में। खुदा ना खास्ता तेरी बीवी के पीछे पीछे तू भी जाके पहुँच जाए दवाखाने एडमिट होने के लिए, क्योंकि तू ना दवाखाने में सड़ सड़ के मरेंगे और वहीं से तुम लोग की रूह दम निकलेगी। तो जितना लगाया नहीं ना पैसा, उससे ज़्यादा पैसा खा चुका है तो आपा का, फिर भी तेरा नीयत नहीं भरा, तेरा दिल नहीं भरा, तेरा पेट नहीं भरा। तू जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद कर रहा, तो अल्लाह तेरे साथ आफियत का मामला किस तरह करेगा? अल्लाह बोलता है जिसके वहाँ एक निवाला एक दाना भी खा लो तो उनके साथ वफादारी करो, उनकी वफाई बात उनकी नमक अला अली करो, नमक हरामी मत करो। आपने इतने सालों से खा के पी के उनके साथ नमक हरामी कर रहे, तो आप लोग दवाखाने में ही रहेंगे ना, आपकी बीवी रहें दो, आप रहें दो, आपके बच्चे रहें दो, और इससे बुरा बुरा अंजाम तुम्हारे साथ होगा। तुम अल्लाह से कलाम कर रही है, आप लोग वीडियो अब मतलब बात करके लोगों को, आवाम को भड़का रहे, बहका रहे। हाँ, तुमने इस तरह वीडियो बनाया, फल में तो बोलते आपा को, इनको उनको गाली दे के हम लोग को वीडियो बनाया ला हम लोग के लिए, इराक के इन्वेस्टर लोग के लिए। और फिर दूसरी बार आखिर आखिर में क्या कर दिया, अल्लाह से कलाम कर। अरे अल्लाह के बंदे, तो अल्लाह से कलाम करने वाला नमाज पढ़, तहज्जुद उठ के हाथ उठा के दुआ कर, जितनी बद्दुआ जितनी गालियाँ दिया ना उसके बदले में आफत के लिए दुआ कर, अच्छाई की दुआ कर, उनकी परेशानी दूर होने की दुआ कर। वो छोड़ के तूने उनको और गाली गलौज और बद्दुआएँ, और उनको मारने मारने की, काटने की, जलाने की, बंदूक मारने की, गोली मारने की, उनको भले जल जाने की, क्या क्या कैसी कैसी बातें किया है। अरे अगर अल्लाह ने चाहा तो ये जो कुछ तू मांगा अल्लाह, तुझे वो कुछ उनके लिए मांगा अल्लाह, वो सब कुछ तुझे तेरे औलादों को, तेरी फैमिलियों को वापस लौटा दे। आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तूने जिस मदरसा के बारे में बोला ना, इतनी गंदी गंदी बातें, सुन ले बुढ़े, उस मदरसा में मेरे बच्चे पढ़ते थे, वहाँ पर मेरे बच्चे पढ़े। जिस तरह बोला ना तूने, मदरसा में धंधा वर्ता वेश क्या अय्याशी का अड्डा है, तेरी बेटी को वहाँ भेजा या तेरी नवासियों को, पोतियों को वहाँ भेजा, वहाँ तेरी बेटियाँ ख़राब हो गई, तेरी नवासियाँ ख़राब हो गई, सर्टिफिकेट मिल गया तेरे को कि वहाँ अय्याशी का अड्डा था बोलने के लिए। भड़वे बुढ़े, मेरी बेटियाँ भी वहाँ पढ़ते थे, मेरे बच्चों को ज़िंदगी बर्बाद करने पर तुला हुआ है। क्या रे कुत्ते, सब बच्चियों को बदनाम करने पर तुला हुआ है, इतने सारे बच्चियों की ज़िंदगी बर्बाद करने पर लावा बुढ़े, जा रहा खबर में लटके, तेरी खबर में जाने वाला बुढ़ा तू, तेरे को अभी ये जिंदगी में ये उम्र में तेरे को इतने शौक चढ़ गया दूसरे के बेटियों को, बहुओं को, बच्चियों को गाली गलौज कर रहा। अभी आज के बच्चे वो अभी दुनिया में मतलब वो जिंदगी में वो लोग अपनी लाइफ में मतलब शादीशुदा जिंदगी में कदम रखने से पहले उनके नाम पे इतना बड़ा धब्बा लगा रहा तू कुत्ता। हाँ कमीना, अल्लाह तुझे गारत करे, तेरी आल औला, तेरी वो बेटियाँ पोतियाँ नातियाँ सारे के सारे जो जिस तरह इल्ज़ाम लगाए ना, उसी इल्ज़ाम में ना गिरफ्त हो जावे और उन्हें बेदाग दाग हो जावे, दाग दाग हो जा, दाग धब्बे लग जावे उनकी ज़िंदगियों में, उनके इज्जतों पर, उनकी मतलब ना उनकी असमतों में। हराम खोरा, हम दूसरे के बच्चों पर तू क्या ये उछाल रहा है? हाँ तू क्या वाइट के वहाँ देखा था क्या? अरे भड़वे, मैं वहाँ जाती थी आती थी रहती थी, मुझे पता है भड़वे, मैं देख कर आई हूँ। तू अपने बोलते ना पैसा ना मिलने के हवस में कई सारे पैसे तुझे मिलेगा बुढ़े, तेरा पैसा तो इतना मिल चुका है, तू इतना खा चुका, जितना लगाया नहीं उससे ज़्यादा ले चुका तू। अभी और तुझे पैसे की लालच में तू दूसरे को बदनाम कर रहा है, दूसरे की बहू बेटियों को बदनाम कर रहा है, दूसरे के दूसरे के आंगन के फूल को तू बदनाम कर रहा है। हाँ, ऐसी औरत को तू बदनाम कर रहा है जो ऐसे काम नेक काम पे लगी, मतलब नेक काम कर रही, कई बच्चों को उसने ना मतलब तालीम हासिल दे रही है, अच्छा दीन की राह बता रही है, दुनिया की गंदगी से, दुनिया की चिचोरेपन से, दुनिया के मतलब इससे बचा के उनको मदरसा जैसे जगह बना के, मदरसा में रख के उनको पढ़ा लिखा के अच्छे बुरे की तालीम दे रही, समझ बता रही, हराम क्या, हराम क्या, हलाल क्या, गलत क्या है, सही क्या है। तो ऐसे को तो बदनाम कर रहा है, तू मर के क्या, तू कैसा मरेगी, तेरी कैसी मौत आएगी तेरे को, अल्लाह तुझे कैसा उठाएगा तुझे खुद को नहीं मालूम, तुझे कबन भी नसीब होगा नहीं होएगा नहीं मालूम, तेरी बॉडी भी तेको मिलेगी नहीं मिलेगी तुझको नहीं मालूम। तूने तूने अपने हवस में और अपने ना लालच में तू इतना अंधा हो गया, इतना अंधा हो गया कि लोगों के बच्चों पर तू उंगली उठा रहा है, मदरसा पर तू उंगली उठा रहा है। अरे जितने मदरसा में ऐसा काम होते थे वो मतलब सॉरी
कई और जगह ऐसे काम होते थे, और जगह ऐसे मतलब फ्रॉड चलते थे, अरे बुढ़े भड़वे वहाँ जाने का, उन लोगों को बोलने का, देखने का, पकड़ने का, तेरी गाड़ में दम है तो कानून के लिए उनके लिए फुगार लगाने का, पकड़ के लाओ बोलने का। अरे जो औरत सामने बैठ के सबको दे रही, कर रही, वादा कर रही, कोशिश कर रही, उसके तो हाथ पैर, हाथ खोल के पैर बांधते, पैर खोल के हाथ बांधते। तुम लोग उसको जीने देंगे तो ही ना, उसको करने देंगे तो ही ना। अगर एक को एक जगह से मामला निकलता दूसरी जगह फंसा रहे हो, दूसरी जगह से मामला निकलता तीसरी जगह फंसा रहे हो। अब तुम लोग इतने ही ईमान वाले हैं, सच्चे थे, हक पे थे, ईमानदार थे, बोलते रहे बापू आपा का पूरा बैंक और डी क्या बोलते वो डेटा वो सब देने के लिए, जो आपा का डेटा लोग ने लेके गए, आपा को अंदर करा कि जितना बड़ा डेटा लेके गए ना वो पूरा देने को बोल, चुप छोटे चुटकी पर पेन ड्राइव दे के ना आपा को डेटा दे दिए कि बदला मत करो उनको, सर हम बदला मत करो, जो भी देना जिस तरह लोग ने खराब करे लेके गए ना उसी तरह ला के सेटिंग करके उनको देने बोलो, देने बोलो और उनका अकाउंट पूरा डिक्रीज करने को बोलो, फिर उनको बोलने का पैसा नहीं देती बोल के, समझ में आ रहा, हाथ पैर बांध के उनके काम को रोक के तुम लोग उसके पीछे उंगली करा के आ यहाँ वीडियो बना रहा है इतना नेक बंदा बन के, नेक इंसान बन के। अरे बुड्ढे पहले शुरू शुरू में तो जब रोता था ना मैं, वाकई में तेरे माथे पे ना एक निशान रहती थी नमाज की, उस नमाज की निशान पे रखी होती थी, वाकई में तू ईमान वाला है सच्चा, बल्कि ना मैं तेरे लिए रिकमेंड करती थी लोगों से, वाकई में बहुत अच्छा इंसान है, बुढ़ा इंसान है, उम्र हो गया, इसको मदद की ज़रूरत है, कोई मदद करो, बल्कि मैं तेरे लिए गुहार लगाती थी लोगों के पास। लेकिन बुढ़ा जिस दिन से तूने ओवैसी के वो शहबाज खान के दलाल ऑफिस में जाके आया ना, तब से तू ना बल्ला सुअर तू बन गया, हराम तू खाता और लोगों को बदनाम करता, तू बता ना सुअर है वो है वो तो तू खुद ही है रे, कभी देखा तो अपने गिरेमन में झाके तू क्या है बोल के। हाँ तू इतना उम्र हो के तेरे को खबर में जाने का, कम से कम दुनिया का नहीं, दुनिया तेरी खत्म हो चुकी, कुछ वक्त का मेहमान रहोगा तू, आखिरत में दुनिया खबर में जाना है, आखिरत में अल्लाह को क्या मुंह दिखाएगा उसके बारे में जरा सोच लिया होता तो अच्छा रहता था ना, अपनी अपनी आखिरत तो बना ले, आखिरी वक्त में अपनी आखिरत भी मत खराब कर, दुनिया तो तेरी गई समझ, आखिरत मत खराब कर तू। इसके लिए बोलती हूँ अभी भी अपने अल्फाज में गौर कर, कभी किसी पे और उठाएगा उंगली करेगा, उंगली उठाएगा किसी और को कुछ बोलेगा तो वो उंगली तुझ पे उठेगी वापस से, क्योंकि तेरी बेटी नहीं पढ़ती थी वहाँ, तेरी पोतियाँ पोतियाँ नहीं पढ़ती थी तू उंगली उठा रहा, अरे हम जैसे कहीं और कहीं बच्चे पढ़ते थे हमारे जैसे कई बच्चियाँ पढ़ते थे, मैं माँ हूँ बच्चे की मेरी, मेरे और कितने गाँव के कितने मुल्क के बच्चे पढ़ते थे, अगर तेरा वीडियो उन सबको भेजूंगी ना सब के सब आके उक्का पानी लेके तेरे पर चढ़ जाएंगे, कैसा बदनाम किया मेरे बच्चों को बोल के। याद रख ले किसी की बेटियाँ हैं बदनाम करने से पहले 10 बार सोच लेना, उनके बच्चों की इज्जत पे उंगली नहीं उठाना किसी की बच्चे की, तेरी तो तू यहाँ बैठ के बुढ़ा वो है ये है नोरा ये है उसकी माँ ये है वो है सबको इल्ज़ाम लगा रहा, अरे उसी का दलाल का तो खा के आया भड़वा, खा के भी आया खाया अभी तीन से खाने को मिला तेरा खत्म हो चुका है, तो कभी पेट भर गए थे अभी तो कोई मिल रहा नहीं, पेट खाली हो गया तेरा, मतलब तेरी नीयत भरी नहीं, तेरे से ज़्यादा तो कोई मिलने के बावजूद तो और कम पड़ गया, तो और चाहिए हवस हो गया, अभी तक मालूम है तेरा सब किताब खराब हो कुछ नहीं मिलने वाला, इसके लिए ऐसा रो रो के वीडियो बना के बदनाम करके गाली गलौज करके वीडियो बनाता कि तुको और मिल जावे, अल्लाह तुझे गारत करे, अगर तेरे को अगर वो देगी भी ना अल्लाह तुको खाने का नसीब ना रखे, तू खाने का लायक ना रहे, तू इतना बड़ा कमीना इंसान दुनिया में तू मुसलमान की दुहाई कर रहा है, अरे तू जैसे इंसान से ही तो आज दुनिया खराब है, तू जैसे बेईमान चोर लोग ही मुसलमान बोल के दाढ़ी रखे टोपी पहन के मुसलमान के कौम को बर्बाद कर रहे, तुम जैसे लोगों से ही और चोर चक्केरे लुटेरे वहाँ वहाँ ऑफिस खोल के दुनिया दुकान डाल के बैठे हुए लूटने के लिए, अगर तुम लोग उनके खिलाफ खड़ते थे ना तो उनकी हिम्मत नहीं होती थी, जो तुम लोग खड़ा बनाए तुम लोग ने खड़ा करे आज तुम ही लोग लुटेरे लूट रहे, और लेकिन आपा को क्यों बदनाम कर रहे, जो लूटा उसको जाके पकड़ना, जो आज काफिस बना उसको जाके पकड़ उसको बुलाना, तेरे गांड में दम नहीं है, तेरे घर वाले के घर में दम नहीं है, उसको पकड़ के लेके आने के लिए हज वाला लूट के गया उमरा वाला लूट के गया बोल रहा, हाँ खाली आपा को क्योंकि आपा सामने बैठी ना सबको दे रही कर रही ना उसको भगाने का ना तेरे को, हमारा पैसा नहीं दे रहे, तेरा तो मिल गया तेरा तो खत अजम हो गया, लेकिन बहुत लोग को नहीं मिला। देख मैं ना एक मेरे बच्चे को मदरसा में पढ़ते भी थे और मैं उसकी वजह से आपा मदरसे के खिलाफ अगर एक अल्फाज भी तू बोला ना मैं पूरे पेरेंट्स लोगों को तेरा वीडियो अपलोड करा कि मैं सबको बुला दूंगी तेरे खिलाफ। इतना याद रखना बच्चे को बदनाम नहीं करना, किसी की बच्ची को नहीं बदनाम करना, याद रख लेना मदरसा क्या था क्या है तेरी तेरे बस की बात नहीं रही, तू जब इतना आराम का खायला आराम खोरी तेरी आंखों में दिख रही है तो तू किस मदरसा को भी नहीं बख्शने वाला, उस मदरसा को भी बदनाम कर रहा तू। और मैं इरा गोल के इन्वेस्टर भी हूँ, मेरा पैसा भी लगा हुआ है और खुदा ना खास्ता है अगर आप अभी कोशिश में है लगी है उसके साथ कुछ जिद्दोजहद में लगी है तो ना ऐसी बद्दुआएं ऐसे अल्फाज दे दे के तेरी काली जुबान से बोल बल्कि ना कुछ हो गया ना बुढ़े हम लोग सब इन्वेस्टर जितने भी हैं ना जो हम लोग ने नॉन गवर्नमेंट तेरे घर में आके बैठ जाएंगे, याद रख लेना। अब तू देखना आप अगर कुछ हुआ ना आप हम लोग तेरे घर में आके बैठेंगे हम लोग, इतना याद रख ले क्योंकि तुम जैसे कुत्ते लोग ही मिल मिल के आपा का काम और परेशान कर रहे और उनका काम में रुकावट डाल रहे, तुम धल्ला लोगे तुम लोग उन प्रॉपर्टी
नजर गड़ गई, तेरा इन्वेस्टर का जितना पैसा लगाया तेरा उतना क्लियर हो गया, अभी तो उसको प्रॉपर्टी तेरे को चेक करीम शेखू, तेरे को भी नजर बोल दिया लगता है अब सही बात कर, तेरा भी इतना हिस्सा मिलने वाला प्रॉपर्टी में, तू ऐसा वीडियो बना बोल के, इसलिए तू ऐसी ऐसी वीडियो बना रहा, क्योंकि इरा गोल का तेरा क्लियर हो गया ना, क्लीन चिट हो गया ना तेरा, तो अब बच्चा क्या है प्रॉपर्टी आपा की, आपा की प्रॉपर्टी तेरी बाप की नहीं है, हम इन्वेस्टरों की है, समझ में आ रहा, इसके लिए ना वो खाने के लिए ना आपा को बदनाम करके, गाली गलौज करके, मदरसा को बदनाम करके, लोगों के बच्चों को बदनाम करा के, तू को कुछ भी नहीं मिलने वाला, उनके हाय बद्दुआई लगने वाली तेरे को, और देख तू लोग और सड़ेगा, देख तू तब तक खाया गया, देख लाया खाया गया, लेकिन जाता वहीं खड़ा हुआ देख, वही भिखारी बन के खड़ा हुआ देख, आज भी तेरे मन में लालच है, तू लालची कुत्ता है, इसीलिए बोलती हूँ दूसरे पर उंगली उठाएगा तेरे पर भी 100 उंगलियाँ उठेगी, उस औरत पर उंगली मत उठाया कर, क्योंकि वो औरत जो है ना तो हम जैसे कहीं परिवार खड़ा हुआ है, तो जिससे लोग भी तुझे बैठ के खाए, अब खत्म हो गया तो तुझको गाली दे रहा, तो जिसका मतलब ही तुझे सुअर दुनिया में कोई नहीं है।